आगे बढ़ सकते हैं। देखा अभी आपसे बात हो रही है, क्या हुआ था थोड़ा बताएं आप, और किस तरह से आप पर गोलियां बरसाई गई और कैसे आप निकल के आए वहाँ? सर, ये वाकया 27 तारीख का है, लास्ट नोट का। मैं कीव से लवीव जाने के लिए, एक जहाँ से सारी ट्रेन मूव होती है हर सिटी के लिए, मैं वहाँ से ट्रेन लेने के लिए गया। मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया, ट्रेन में बोर्डिंग नहीं हो पाई। एट दी एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट कैब बुक करते हैं। कैब्स के रेट बहुत हाई थे, अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो नॉर्मल रेट में वो 3-4 हज़ार में होता है, 5 हज़ार हार्डली। बट उस दिन हमसे डिमांड करी गई $4,000, $3,000। तो लास्ट में मैंने $1,000 में डील फाइनल करी। हम तीन बंदों ने अपना शेयर किया और कैब में निकल पड़े। हमने 3 चेक पॉइंट क्रॉस किए। जो तीसरा चेक पॉइंट था वहाँ से हमको रिटर्न करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप आज की जगह कल ट्रैवलिंग करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है, रात को सिक्योरिटी सीजन के कारण सिक्योर नहीं। हमने कहा ओके, जब हम वापस अपनी सिटी में आ रहे थे तो की सिटी के अंदर ही मेरे पर, जैसे हम कैब में बैठा हुआ था, मैं बैक साइड में या फ्रंट साइड में, मेरी आंखों के सामने एक गोली रेड कलर की बुलेट से चिपकी, शीशा क्रॉस होकर लगी। उसके बाद हम सब होपलेस हो गए, गाड़ी के अंदर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद सर फायरिंग दबा के हुई, तीन चार बंदे लग गए थे सामने से, मतलब ज़मीन पे, और 3-4 बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू, जो कि 47 थे उनके बाद। उसके बाद हमने सर स्लोली से डोर्स ओपन करे। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ छाती से टच करके ज़मीन पर ले लिया, फुटपाथ का सहारा लेके। देन उसके बाद सर 2 बुलेट्स मेरी एक घुटने में लगी थी, लेफ्ट हैंड साइड के। एक गोली सर मेरे दूसरे लात को चीटती निकल गई थी, और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते हुए मेरी चेस्ट के अंदर एंटर करी। उसके बाद सर मेरा, हाँ जी सर बोलिए। नहीं आप बोलिए, बोलिए आप बोलिए, सॉरी प्लीज। तो उसके बाद सर मैं बेहोश हो गया था। मेरी आँखें खोलती थी तो मेरे को सिर्फ इतना दिखता था कि हल्का हल्का रोशनी, ठंडी हवा, क्योंकि उस टेम्परेचर डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि -3 था। मेरा ब्लड भी बहुत निकला था उसमें, आप आराम करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 तारीख रात को 10 बजे मेरे को होश आई थी। फिर डॉक्टर्स ने मेरे को सारा एक्सप्लेन किया कि सर आपको गोली लगी है, वहाँ से हमने आपको रिसीव किया, 3-4 घंटे आप सड़क पर पड़े रहे थे, आपका ब्लड निकल चुका था। फिर उन्होंने मेरे को जो बुलेट थी जो चेस्ट के अंदर, वो इन्होंने निकाल दी है। पेन है सर बॉडी मेरी, जो लेफ्ट साइड है उसमें से बुलेट निकाल दी गई है एंड उसको प्लास्टर कर दिया गया है। सर बिल्कुल सर पहले से, मतलब ये लगा लीजिए कि मच बेटर है। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी, आपका टच में आया आपकी फैमिली अभी? बिल्कुल सर, मैं इंडिया दिल्ली का रहने वाला हूँ, छतरपुर एक्सटेंशन जहाँ मैं रहता हूँ। और 2 तारीख के बाद जब मेरे को होश आया, सबसे पहले कॉल मैंने अपनी माँ को की थी। उसने जैसी मेरी आवाज़ सुनी सर, आप समझ सकते हैं, फादर मॉम डैड सबसे मेरी बात हुई, सिस्टर से बात हुई, उनको अच्छा फील हुआ, मेरे को भी मच बेटर फील हुआ, नई जिंदगी है सर। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश थी कि मैंने फिर नई जिंदगी है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ उसका टाइम। तो मैंने यहाँ पे भी, जब मेरे को हॉस्पिटल वालों ने होश आने के बाद में बाइक पर एंटर आया, मैंने धीरे धीरे यहाँ पे एम्बेसी वालों से लिंक करने की कोशिश करी, बात करनी शुरू की। तो सर वो पहले ही यहाँ से मूव हो चुके हैं, यहाँ से पहले ही लीक जा चुके हैं, तो अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। डेली मैं उनसे बात करता हूँ, उसमें यही है करेंगे सर, अभी तक करेंगे और करने में बहुत फर्क होता है। अभी आपको कोई सपोर्ट आया अभी तक या नहीं आया? सर अभी तक तो मेरे से कोई सपोर्ट नहीं आया। और आपको किसी का फ़ोन नहीं आया एम्बेसी से? सर अभी तक तो कोई नहीं सपोर्ट नहीं आया,
मॉडर्न की बात हुई थी, बस उसके बाद उन्होंने तो अभी तक सब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वैसी को मेरी सपोर्ट हो सके या कुछ। आपके चैनल के थ्रू मैं बस एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि सर मैं चल कर नहीं सकता अभी, क्लास से चल रहा हूँ, सपोर्ट चाहता हूँ कि सर यहाँ से मेरे निकाला जाए। उसके बाद सर एम्बेसी में तो कोई भी पैसे की प्रोवाइड कराए, जैसे अगर मेरे को कोई व्हील चेयर भी बैठा के बॉर्डर क्रॉस करवाए या कुछ भी करवाए तो सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो भी है वो सब तो उसे करवा सके, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर से अगर ये ज़िंदगी दी है सर तो मैं इसको जीना चाहता हूँ। कौन से ईयर में आप पढ़ रहे थे यहाँ पे? हाँ जी सर, मैं सर यहाँ पे आईटी स्पेशलिस्ट हूँ, मैं तो आईटी में फर्दर स्टडीज़ कर रहा था, बट ये है कि इसमें पहले हमें यहाँ की लॉ के अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज पे पहले फर्स्ट हमें क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, तो मैं लैंग्वेज में था फर्स्ट। तो अभी आप कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट हैं सर? यहाँ पे ये हॉस्पिटल का नाम है की क्लिनिकल हॉस्पिटल डेंटल हॉस्पिटल वहाँ पे सर। चलिए आप साहब, आपके तबीयत को देखते हुए हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपका मैसेज सरकार तक पहुंचाने का, ताकि कोई आपसे ज़रूर ज़रूर कांटेक्ट करेगा, और मैं भी अपने लेवल पर हम अपने कोशिश करेंगे कि आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट करे और आप वापस अपने घर लौट जाए। सर मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा सर आपके चैनल के थ्रू के गवर्नमेंट को गुजारिश की जाए कि सर अभी अगर नई ज़िंदगी मिली है तो मैं इसको जीना चाहता हूँ, क्योंकि सर मरने के बाद चाहे चार्टर्ड भेजो चाहे सर कुछ भी भेजो वो कोई मैटर नहीं है। नहीं नहीं आप फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाए, अब आपकी आपकी जो खतरे से बाहर है, आपकी बुलेट निकल गई है, आप बस हौसला रखिए, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है अभी तक।